नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द्विवेदी कॉलेज में। और एक बार फिर से कांग्रेस का नाम कहीं ना कहीं करप्शन से जुड़ता हुआ दिख रहा है, और बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस के एक सांसद हैं, राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी, जिनके घर और दूसरे ऑफिस वगैरह पे, ठिकानों पे जब IT ने रेड की तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 300 करोड़ रुपए कैश मिला है। ठीक है, अभी गिनती चली रही है, बट लगभग लगभग अगर माना जाए तो 300 करोड़ रुपए कैश मिला है। अब बात ये उठती है कि ये 300 करोड़ रुपए इनके पास आए कहाँ से, इतना वो भी कैश। तो अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो ये एक बिजनेसमैन भी हैं। ठीक है, इनकी अपनी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन जो मेन बिजनेस है इनका वो है शराब का बिजनेस, और इनकी फैक्ट्रीज हैं कई सारी उड़ीसा में। और ये जो रेड्स हुई हैं, ये इनके झारखंड में हुई है और दूसरी तरफ बंगाल में, उड़ीसा, हर जगह हुई है। कुल मिला के 10 जगह पे रेड की गई है, और 300 करोड़ रुपए के आसपास जो बताया जा रहा है वो सामने आया है। तो अभी ये देखना है कि क्या ये क्या एक्चुअली रीज़न है इसके बिहाइंड में। अभी तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है IT डिपार्टमेंट से भी, और जो कांग्रेस के चीफ हैं झारखंड के, अविनाश पांडे जी, उन्होंने कहा कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ये उनका अपना प्राइवेट मामला है, और वो जल्दी अपना बयान देंगे इसके बारे में कि क्या एक्चुअली है ये पूरा मामला। तो ऑब्वियसली बात है, इसको लेकर के सियासत गर्म हो गई है, और BJP को भी मौका मिल गया। तो BJP ने बोल रखा है कि मंडे को वो जो पार्लियामेंट है वहाँ पे गांधी जी के सामने में धरना देंगी, और BJP इसको भुनाने में ऑब्वियसली बात है कोई कमी नहीं रखेगी। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना काउंटर दे रही है, वो कह रही है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और BJP जो है कि फर्स्ट डे से ही पीछे पड़ी हुई है जब से कि झारखंड में अलायंस गवर्नमेंट आई है, और BJP एक ऑपरेशन चला रखा है, ऑपरेशन लोटस, जिसके तहत कि जहाँ जहाँ नॉन BJP गवर्नमेंट्स है वहाँ सत्ता पलट करने की कोशिश कर रही है। तो ये कांग्रेस का बयान है। खैर, इसमें सच्चाई है नहीं है इसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता। और अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है बहुत जगह, तो बहुत ही दुखद है जो ये सामने निकल के भी आया है। और वैसे भी अगले साल लोकसभा के चुनाव है, तो ऑब्वियसली इसका एक असर तो आएगा ही सामने, लोगों के मन में तो ये रहेगा ही रहेगा। बट अभी देखना है कि IT क्या इस मामले में अपना बयान देती है, क्योंकि हो सकता है कि ये उनकी इनकम हो और वो इसको अपना प्रूफ भी कर सकें। बट अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, तो ये अटकलें लगाई जा रही है कि ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है। तो हम वही बातें कर रहे हैं जो कि न्यूज़ पेपर्स में चल रहा है ना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे। वहीं दूसरी तरफ जो है, अमित शाह जी ने भी क्वेश्चन खड़ा किया कि जब से ये स्कैंडल निकल के सामने आया तो जो इंडिया अलायंस है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल खामोश है। इवन कांग्रेस तो, उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो शांत है, समझ में आता है, लेकिन जो बाकी अलायंसेज हैं जैसे कि आपका GDU है, RJD है, DMK, SP वगैरह, ये लोग क्यों चुप हैं, ये तो कुछ बोलना चाहिए इनको। और ऐसा माना भी जा रहा है कि ये जो साहू हैं, राहुल गांधी जी के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जानते ही हैं आपकी राजनीति में तो शुरू हो ही जाता है बयानबाजी तेजी से, और उसका काउंटर भी आने लग जाएगा। तो अगर बात करें कि हाँ भाई, ये कौन है साहू, धीरज साहू, तो धीरज साहू बहुत ही नामचीन एक बिजनेसमैन है, और ये आज से नहीं, मतलब खानदानी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, इनके पिता भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इनके पिता का नाम था राय साहब बलदेव साहू, और जब इंदिरा गांधी दौरे पे जाती थी, प्रधानमंत्री के जो अपना प्रचार करने जाती थी झारखंड वगैरह, तो वो इन्हीं के यहाँ ठहरती थी। और जो हमारे पूर्व
राष्ट्रपति भी रह चुके हैं राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी इनके घर जा चुके हैं कई बार। और ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता ने, जब आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं थी, तो उस समय 47 लाख रुपए कैश भी दिए थे और 47 किलो गोल्ड भी दिया था इन्होंने, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ मजबूती मिल सके। तो काफ़ी मतलब वेल फैमिली से हैं, वेल वर्स्ट फैमिली से, ऐसा नहीं है कि पैसे वाले नहीं हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं। बट अभी देखना है कि इनका जो है इसके इतने कैश के बारे में क्या ये स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ये जानना अभी बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि इतना कैश क्यों इनके घर में मिला है या दफ्तर वगैरह में मिला है। तो बहुत दुखद भी है यार ये सब देख करके, कि एक तरफ देश में इतनी गरीबी है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हो रखा है, सरकार खुद देती है उनको खाना, है ना, और एक तरफ इतना सारा कैश घर में मिलता है, तो बहुत ही दुखद है ये। और आशा करते हैं कि इसके लिए सही से कार्रवाई होगी और हमारे सामने सच सामने आएगा। अब आईटी ये सारा पैसा ले जाकर के कोर्ट के सामने पेश करेगी और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ भाई ये पैसों का क्या होगा, इनको वापस मिलेगा अगर ये अपना अप्रूव करते हैं तो, या फिर गवर्नमेंट के खाते में जाएगा ये। तो हम इस पे खबर पे नज़र बनाए रखेंगे, जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।